So hello students, welcome to The Learning Continues. This is Nabrisalab, is going to describe a chapter of your validation book. In this chapter we shall study about communication. What is communication? What are the types? How people communicate with one another. So I shall dictate the story and explain it in Hindi so that you can easily understand the chapter. So let's start the chapter. The chapter name is effective communication. Now one question is there what is communication? सो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मैसेज हैव बीन कन्वेड इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्टाइल्स सिंस टाइम इन मेमोरियल हाउ द बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन्स द सेम कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन है कि किसी भी एक मैसेज को एक मीनिंगफुल थॉट को क्या करना है किसी और एक तक पहुंचाना है अब ये क्या हो रहा था कि बरसों से या सालों पहले इससे ये कम्युनिकेशन जो है वो होता आया है इसका ये मतलब है कि सालों पहले कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो अलग था लेकिन आज मॉडर्न एरा पे क्या हो रहा है कम्युनिकेशन जो है वो और भी टेक्नोलॉजी के कारण एडवांस हुआ है और इसका स्टाइल जो है उस उसमें भी परिवर्तन आया है ठीक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल एंश्योरिंग राइट एक्शंस इफ कम्युनिकेशन इज डिफेक्टिव इट कॉजेस इनकन्वि टू ऑल द पीपल कंसर्न एंड कैन रिजल्ट इन सिचुएशन अब ये कम्युनिकेशन जो है वो अगर एफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा लोगों के बीच क्या गलतफहमियां फहमियाँ जो है वो और भी ज़्यादा होंगे और एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि लोग एक दूसरे को गलत समझ बैठे और अगर इफ़ेक्टिव हुआ तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है हमारे लिए बेटर है communication is the process of keeping in touch with people by sending or receiving message through a use of medium which enables both the sender and the receiver to understand the information. communication requires that all the parties concerned understand a common language that is exchange. the need to communicate विथ ईच अदर इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज अब क्या है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है पीपल किसी और एक को कुछ मैसेज सेंड करते हैं और वहाँ पर क्या है एक रिसीवर यानी कि जो रिसीव करता है वो हो, हो होना पड़ेगा कम्युनिकेशन के द्वारा और उसमें एक मीडियाम सपोज मैं अब तुम लोगों से यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा हूँ यानी कि मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ या इस लेक्चर को लेक्चर कर रहा हूँ जो जो भी पढ़ा रहा हूँ वो क्या हो रहा है मैं सेंड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ और तुम क्या कर क्या करोगे रिसीव करोगे और उसके बीच में मीडियम कौन आएगा यूट्यूब तो ये होता है कि कम्युनिकेशन के लिए एक सेंडर एक रिसीवर और एक मीडियम होना जरूरी है ठीक है अब क्या है और एक बात यह है कि कम्युनिकेशन जो होगा उसमें क्या होना पड़ेगा कि एक कॉमन लैंग्वेज, यानी कि सेंडर जो लैंग्वेज सेंड कर रहा है रिसीवर जब वो लैंग्वेज समझ समझेगा तब जा के बात बनेगी यानी कि तब जाके ये कम्युनिकेशन कहलाएगा अगर मैं कुछ मैसेज सेंड कर रहा हूँ और तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा ये कम्युनिकेशन नहीं होगा ठीक है यानी कि सपोज़ मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और तुम हिंदी को समझते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं सेंड कर रहा हूँ तुम रिसीव कर रहे हो अगर सपोज़ मैं अभी कुछ और एक लैंग्वेज पे बात करता है सपोज चाइनीज पे बात करता है। या किसी और एक जो लैंग्वेज है उसमें बास बात करता है वो लैंग्वेज तुम्हें नहीं आती तो क्या होगा यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा मीडियम तो होगा लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कम्युनिकेशन के लिए क्या है सेंडर और रिसीवर दोनों सेम लैंग्वेज जानना पड़ेगा सेम दोनों को और एक मीडियम यहाँ पे होना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्हाई डू वी नीड टू कम्युनिकेट हम क्यों कम्युनिकेट करें या हमें क्यों करना चाहिए वी कम्युनिकेट टू स्टे इन टच एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाई कम्युनिकेटिंग विथ वन एंड अदर वी काम टू नो वाट इज़ हैपनिंग एराउंड आस इन आवर कंट्री एंड इन द वर्ल्ड वी केम टू नो अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस एवरीवेयर ए गुड एंड अफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम गिव आस अनाफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स टू फॉर्म आवर ओन जजमेंट तो कम्युनिकेशन इसलिए करना चाहिए ताकि हम किसी भी एक मैसेज को एक्सचेंज कर पाए और कम्युनिकेशन के कारण हम पूरे इंडिया सपोज कंट्री है पूरे कंट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में हम जान सकते पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके बारे में हम जान सकते हैं ठीक है और कम्युनिकेशन होने के कारण हम दुनिया को देख सकते दुनिया को पढ़ सकते और दुनिया में क्या हो रहा है आज उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं हम अपने ओर से एक जजमेंटल कमेंट पास कर सकते हैं सपोज़ हम यहाँ पे है इंडिया के किसी एक कोने पे है हम सपोज़ आज हम हमारे लोकल एरिया यानी कि आसाम में है और सपोज़ दिल्ली में दिल्ली पे कुछ हो रहा है या मुंबई पे कुछ हो रहा है या कश्मीर पे कुछ हो रहा है तो हम इस कम्युनिकेशन के कारण मैसेज सेंडर और रिसीवर जो होता है मैसेज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के कारण हम उस कोने पे क्या हो रहा है वो हम जान सकते देख सकते और अपना जो जजमेंट है अपना जो कमेंट है वो हम कर सकते हैं अपना विचार रख सकते और अगर हम इंडिया से बाहर जाते तो हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ है उनमें क्या हो रहा है वो भी हम जान सकते हैं सुन सकते हैं ये देख सकते हैं ठीक है नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली देर आर मेनली टू मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वन इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड अनदर इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नाउ लेट्स सी व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन इज फारदर डिडेड इन टू रिटर्न एंड ऑरल कम्युनिकेशन यानि कि वर्बल कम्युनिकेशन को दो हिस्सों में भागा गया है एक है रिटन और एक है औरल औरल यानी कि जो बोल सकते यानी कि बोलने वाला जो कम्युनिकेशन है और रिटन यानी कि लेटर सब पकड़ लो लेटर या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप चैट या तुम पकड़ सकते हो ये ईमेल ये सब नाउ व्हाट इज़ औरल कम्युनिकेशन औरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द स्पोकन वर्ड्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ओरल क्या है जिस कम्युनिकेशन प्रोसेस पे बात हो सकता है या कुछ बातें हो होंगे उसमें हम बोलेंगे ओरल हो रहा है या ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है ओरल कम्युनिकेशन कैन आइडर बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन ओवर फोन और वॉइस चैट ओवर द इंटरनेट स्पोकन कम्युनिकेशन और डायलॉग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉइस मॉडुलेशन पीच वॉलीम एंड इवन द स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग सो ऑरल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है फेस टू फेस हो सकता है या किसी एक फोन कॉल या इंटरनेट पे जो बातें हो सकता है वो है ऑरल कम्युनिकेशन सपोज मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है फोन एक इंटरनेट ओवर इंटरनेट या वॉइस जो मैं इंटरनेट के मीडियम से तुम्हें पास कर रहा हूँ फ़ेस टू फेस क्या होगा सपोज़ हम आप अभी क्लासरूम में बैठे हुए और टीचर लेक्चर दे रहे ये होता है फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन अभी यूट्यूब या इंटरनेट पे जो हो रहा है वो क्या है वर्स ओवर फोन और ओवर इंटरनेट और स्पोकन कन्वर्सेशन या डायलॉग जो होंगे उसमें क्या होगा वेरी करेगा यानी कि पीट साउंड वॉल्यूम स्पीड क्लैरिटी ये सब क्या होगा यहाँ पे आएंगे ठीक है वॉय औरल कम्युनिकेशन पे या स्पोकन कम्युनिकेशन जिसको कहा गया द अदर टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज रिटन कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन कैन इधर स्नेल मेल और ईमेल इफेक्टिवनेस और रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ राइटिंग वोकवेलरी ग्रामर क्लैरिटी एंड प्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन जो होगा वो ईमेल मेल ये तुम अभी पकड़ सकते हो व्हाट्सअप टेक्स जमेल ये सब सारे आ, पहले क्या होता था लेटर होता था लोग लेटर लिखते थे अभी क्या हुआ इंटरनेट आ गया इंटरनेट के ज़माने में हम क्या करते एक मिनट में अपना जो है वो कम्युनिकेशन हम रिटर्न कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए पर्सन हु इज स्पीकिंग रेफर टू द बॉडी द हैंड गेस्ट्यूर्स एंड ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स द फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन कम्युनिकेशन सिंस द एक्सप्रेशन On a person's face say a lot about his her mood and feelings. On the other hand, gestures like handshake, a smile, or a hug can independently convey emotions. Nonverbal communication can also be in the form of pictorial representation, photographs, sketch, and paintings. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होगा यानी कि वो वारबल नहीं है यानी कि इसमें क्या है रिटन एंड औरल नहीं है अब क्या है ये ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होगा जिसमें बॉडी लैंग्वेज यानी कि बॉडी हैंड शेक या सिर को हिलाना पूरे बॉडी को हिलाना ये सब मूवमेंट जो है वो आएगा सपोज एक टीचर लेक्चर दे रहे क्लास में तो ये क्या करेंगे बॉडी मूवमेंट उनका होगा हैंड शेक होगा देन हेड या देन पूरे बॉडी का क्या है एक मूवमेंट यहाँ पे देगा और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं किसी भी एक पर्सन के एक्सप्रेशन फेसियल एक्सप्रेशन की वो आज रूड है या हैप्पी मोमेंट में है या उसको हम कह सकते हैं कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और भी एक है कि पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि पिक्चर देख के जो रिप्रेजेंटेशन होता है यानी कि सब कुछ पकड़ लो तुम हम प्रोजेक्टर पे कुछ देख रहे तो ये हो सकता है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मींस ऑफ कम्युनिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द मींस ऑफ कम्युनिकेशन वन इज पर्सनल कम्युनिकेशन एंड अनदर इज मास कम्युनिकेशन नाउ व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन इज़ दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन समवन पास ए मैसेज और एक्सचेंज ए मैसेज टू ए पर्टिकुलर पर्सन एंड इट इज़ नोन एट पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन जो होगा इसमें क्या होगा कि हम किसी भी एक मैसेज को पब्लिक के लिए क्या करते है? एक्सचेंज करते पर्सनल कम्युनिकेशन पे आएगा कि हम किसी भी एक से फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं या हम किसी एक को व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं ईमेल कर रहे ये सारे जो कम्युनिकेशन है यानी कि किसी एक इंडिविजुअल से दूसरे एक इंडिविजुअल यानी कि किसी एक पर्सन से दूसरे एक पर्सन तक ही वो क्या है लिमिटेड है तो उसको हम कहेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन अब मास कम्युनिकेशन क्या होता है मास कम्युनिकेशन पे यहाँ पे आएगा रेडियो टेलीविजन इंटरनेट न्यूज़ पेपर अब इन सारे चीज़ों को हम अगर देखते तो देख पाएंगे रेडियो पे क्या होता है हम न्यूज़ सुनते न्यूज़ जो है वो किसी एक पर्सन ने मैसेज एक्सचेंज किया है और यहाँ पे सैकड़ों पर्सन उसे सुन रहे टेलीविजन पे हम कुछ एक फिल्म या न्यूज़ चल रही है तो हम पूरे इंडिया पे ये न्यूज़ चलेगा तो ये हम पूरे इंडिया के लोग इसी एक पर्सन को जो सेंड कर रहे हैं मैसेज और रिसीवर कितने होंगे यहाँ पे सैकड़ों हो सकते हैं तो ये होता है मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन पे आएगा इंटरनेट न्यूज़पेपर क्या होता है न्यूज़पेपर एक होते यहाँ पे मैसेज कुछ लिखा होता है और सारे लोग इसे पढ़ते हैं तो ये गया है कि मास कम्युनिकेशन ठीक है इतना तक ही ये चैप्टर में डिस्कस किया गया है यानी कि यहाँ पे सिर्फ बारवेल कम्युनिकेशन नॉन बारवेल कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमने पढ़ा है इसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि पर्सनल एक होता है और एक होता है मास कम्युनिकेशन और उसके बाद हमने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और हमें क्यों कम्युनिकेट करना पड़ता है या हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं तो योर चैप्टर इज़ आवर नाउ if you have any doubt any queries you can give me a comment or ask me in comment box and if you are new in my channel then subscribe my channel stay connected with me for more videos more lectures and if you like my video then press the like button thank you